इसके जो राइट्स हैं वो आमिर खान ने खरीद लिए हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि आमिर खान इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आमिर खान तो उसके कैरेक्टर को एकदम जीवित कर देंगे। आमिर खान प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी इस बार आपको देने वाला है। तो आमिर खान ने जो पिछले 20 साल में इतनी कम फिल्में बनाई वो 3 साल में पूरा कोटा पूरा करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और इतनी बड़ी बढ़िया फिल्म आमिर खान आप करने वाले हैं, इसे देख के मजा आने वाला है। हेलो दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। और आज दिवाली का दिन है, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। उसी के साथ में आपके पास आ गया हूं नई वीडियो लेके। बहुत ही धांसू न्यूज है, आमिर खान से रिलेटेड न्यूज है, बहुत ही बढ़िया न्यूज है। आमिर खान प्लस क्रिकेट, ये हमने बहुत बार देखा होगा क्योंकि आमिर खान जो है वर्ल्ड कप में जाते रहते हैं, मैच देखते हैं। आमिर खान को क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी आमिर खान के लाला अमरनाथ की बायोपिक करने की बात चल रही थी कि राजकुमार ईरानी जो है डायरेक्टर होने वाले और आमिर खान जो है लाला अमरनाथ की बायोपिक करने वाले हैं। बट अभी एक बहुत बढ़िया न्यूज आई कि आमिर खान ने लेजेंडरी क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक के जो राइट्स हैं वो खरीद लिए हैं, ये सुनने में आया। और ये बहुत ही पक्की सोर्स है, आमिर खान ने युवराज सिंह, लेजेंडरी युवराज सिंह जिन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया, जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया, उनकी जो स्टोरी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी उनकी जो बायोपिक बनी है ना, एक जबरदस्त बनेगी। जैसे कि मिल्खा सिंह की बनी थी, महावीर भगत की बनी थी, उस तरीके से इनकी बायोपिक बहुत बढ़िया बनेगी। मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उसमें युवराज सिंह का भी नाम आता है। युवराज सिंह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उनके जो उन्होंने जो 6 छक्के लगाए थे एक टाइम पे, देख के मजा आ गया था। फिर वर्ल्ड कप में उन्होंने ऐसी पारी खेली थी कि लाइफ बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और इसके जो राइट्स हैं वो आमिर खान ने खरीद लिए हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि आमिर खान इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और आमिर खान का डायरेक्शन तो आपने देखा ही होगा, आमिर खान किस तरीके के डायरेक्टर हैं सबको पता है। आमिर खान ने तारे जमीन पर जैसी मूवी बनाई है, उन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी बनाई है कि कोई उनके डायरेक्शन पर डाउट नहीं कर सकते कि आमिर खान कैसी मूवी बनाएंगे। भाई आमिर खान तारे जमीन पर बनाई और बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को रुला दिया है, हंसा दिया है। और अगर वो युवराज की बायोपिक बनाते हैं, युवराज सिंह की बायोपिक बनाते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। अगर देखा जाए कि आमिर खान युवराज सिंह की बायोपिक खुद करें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। सबको पता है कि आमिर खान जो है वो उतनी बड़ी हाइट की नहीं है, क्योंकि युवराज सिंह एक 6 फुट 2 इंच के इंसान है और बहुत हेल्थी है, और उनकी बायोपिक आमिर खान नहीं कर पाएंगे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट कोई और तो करेगा, क्योंकि आमिर खान जो है वो उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूस तो आमिर खान कर ही रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि आमिर खान से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इसे आमिर खान अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये मौका आमिर खान को नहीं छोड़ना चाहिए। युवराज सिंह की बायोपिक आमिर खान बना रहे हैं, तो कौन कौन ऑप्शन हो सकते हैं जो इसमें युवराज सिंह की बायोपिक कर सकते हैं। मेरे लिए पहला ऑप्शन है रणवीर कपूर, जो युवराज सिंह की बायोपिक कर सकते हैं, लंबे चौड़े हैं, गोरे चिट्टे हैं, वो कर सकते हैं कैरेक्टर, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। दूसरे हैं विक्की कौशल, जो कि लंबे चौड़े हैं और युवराज सिंह का कैरेक्टर कर सकते हैं। और तीसरे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, जो कि लंबे चौड़े हैं, जी बॉय में जिन्होंने कैरेक्टर किया था, वो भी वो कैरेक्टर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आमिर खान किसको उठाते हैं और किसको अप्रोच करते हैं इस फिल्म के लिए, युवराज सिंह की बायोपिक के लिए, क्योंकि भाई युवराज सिंह की बायोपिक के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो एमएस धोनी की बायोपिक बनी थी, सुहान राजपूत ने बहुत अच्छा काम किया था, फिल्म में बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। युवराज सिंह की जो बायोपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि युवराज सिंह बचपन में क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे, स्केटिंग करते थे बचपन में, उनके जो पिताजी हैं वो क्रिकेटर थे, और उन्होंने युवराज सिंह को रात को 2-2 बजे उठा के क्रिकेट सिखाया है। और युवराज सिंह को क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं पसंद था, उनके पिताजी ने उन्हें जबरदस्ती क्रिकेट खिलाया। फिर युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, युवराज सिंह की जो फील्डिंग थी इतनी जबरदस्त फील्डिंग थी, बहुत बढ़िया कैच करते थे, उड़ उड़ के कैच करते थे। और जो उन्होंने डेब्यू किया था 300 रन मारे थे, 6 छक्के मारने वाला सीन, और 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला सीन, और सबसे इमोशनल सीन जब 2011 में युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, उनको खून की उल्टी हुई थी, और वो सीन इतना इमोशनल रहेगा। एक 6 छक्के वाला सीन बहुत बढ़िया रहेगा, 2011 का वर्ल्ड कप जिताना बहुत बढ़िया रहेगा। जब उन्हें खून की उल्टी हुई, खांसी बहुत हो रही थी, डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। स्कैन वैन क्या करना है, खून ही आ रहा है मुझे। उसके अगर उन्होंने आईपीएल खेले, फिर वापसी करी, और 2-3 साल क्रिकेट नहीं खेले, वापसी करी, फिर उन्होंने 2015-16 में 150 रन मारे, और उन्हें वर्ल्ड कप में फिर जगह नहीं मिली। तो देखते हैं युवराज सिंह की बायोपिक जो है तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल, इमोशनल। अब इसे आमिर खान अगर बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त बना सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आमिर खान इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करें, और किसी अच्छे एक्टर को, रणवीर कपूर या विक्की कौशल जैसे एक्टर को लेके युवराज सिंह का जो कैरेक्टर है वो कराएं। और न्यूज क्या छपी है मैं आपको बताता हूं, फिल्म फेयर में ये न्यूज छपी है कि आमिर खान रिक्वायर्स युवराज सिंह लाइव स्टोरी राइट्स फॉर अ फिल्म। इन अ सरप्राइजिंग मूव, आमिर खान हैज रिपोर्टली acquired the right of former Indian cricketer Yuvraj Singh film the way for an upcoming film that will chronicle the life of the journey of the India's most iconic cricketer Yuvraj Singh life story and marked by exceptional cricketer career and battle against cancer. Amir Khan known for the approach to filmmaking and ability to bring compelling stories to silver screen and set to helm the project. The announcement is sure to generated by significant buzz and fans is waiting for anticipated how Khan is portrayed the various factor of Yuvraj Singh. तो भाई आमिर खान जो है वो पिछले 20 सालों में, 20 क्या 23 सालों में, आमिर खान ने सिर्फ 9 से 10 फिल्में बनाई है आमिर खान प्रोडक्शन में।
बट जैसे संदा 21 आया और आमिर खान ने कहा कि भाई मुझे बहुत सारी फिल्में बनानी, प्रोडक्शन हाउस के लिए तो आमिर खान ने इतनी सारी फिल्में अनाउंस कर दी एक साथ कि आमिर खान इसे बनाएंगे कैसे, कितने सालों में बनेंगे ये फिल्में। क्योंकि आमिर खान ने ऑलरेडी लापता लेडीज बना दी है, आमिर खान ने लाल चड्डा बनाई थी अभी आमिर खान प्रोडक्शन में, आमिर खान प्रीतम प्यारे बना चुके हैं, आमिर खान ने बोला लाहौर 1947 सनी देओल के साथ बना रहे हैं, लव स्टोरी बना रहे हैं जुनैद और साहिब अली के साथ, आमिर खान जय 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 है का रीमेक बना रहे हैं जिसमें फातिमा शेख को ले रहे हैं। इतनी सारी फिल्में आमिर खान एक साथ करने वाले हैं। और अब और युवराज सिंह की बायोपिक जो है ये भी आने वाली, और खबर आई थी कि आमिर खान दादा साहब फाल्के की बायोपिक कर रहे हैं, उससे पहले एस एस राजामौली ने उनके ऊपर फिल्म बना दी जिसको लेकर अभी बहस चल रही है, देखते हैं कि क्या कंक्लूजन आता है कि आमिर खान उसे बनाते हैं या एस एस राजामौली बनाते हैं दादा साहब फाल्के की बायोपिक, देखने वाली बात होगी। बट आमिर खान के पास अभी बहुत सारी फिल्में पड़ी हैं, बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, सितारे जमीन पर एज ए लीड बना रहे हैं, अब देखते हैं कि आमिर खान से डायरेक्ट करेंगे कि प्रोड्यूस करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान को युवराज सिंह की बायोपिक तो खुद डायरेक्ट करनी चाहिए, बट अगर आमिर खान अगर युवराज सिंह की बायोपिक डायरेक्ट करते तो आमिर खान 2 साल तक खुद कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आमिर खान एक ही फिल्म में डेडिकेशन दिखाते हैं, अगर या तो वो फिल्म बना लें एज एन एक्टर या वो फिल्म डायरेक्ट कर लें एज ए डायरेक्टर। आमिर खान ने बहुत जल्दी स्मार्ट मूव्स खेले हैं, सनी देओल को उठा लिया गदर 2 के बाद, युवराज सिंह की बायोपिक ले ली, दादा साहब फाल्के की बायोपिक ले ली, अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, जया 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 हे जैसी मूवी को वहां से उठा के यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो आमिर खान ने बहुत सारे अच्छे मूव्स खेले हैं और वो अपने प्रोडक्शन हाउस से बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी विद क्वांटिटी देने वाले हैं। इस बार वो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी देने वाले हैं। तो ये 3-4 साल के अंदर मुझे लगता है ये 8-10 फिल्में जो हैं आमिर खान प्रोडक्शन की ये आने वाली हैं। 24 में 2 से 3 फिल्में आएंगी, 25 में 2 से 3 फिल्में आएंगी। तो आमिर खान अगले 3 साल के प्लान जो है आमिर खान प्रोडक्शन के वो लेके चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि आमिर खान कमल हसन के बर्थडे में गए थे, वहां पर लोगों से मिल रहे थे और बहुत ही हैप्पी थे। तो आमिर खान की जो मदर है वो लगभग बिल्कुल ठीक है और आमिर खान को 1 महीना हो चुका है चेन्नई में और 1 महीना रह गया है। तो आमिर खान 1 महीने दिसंबर, मिड दिसंबर में आमिर खान जो है वो वापसी कर सकते हैं मुंबई के लिए। और उसी टाइम अगर मैं आपको बताऊं 12 दिसंबर को युवराज सिंह का बर्थडे है, तो ऐसा ना हो कि जो युवराज सिंह की जो बायोपिक के अनाउंसमेंट है वो 12 दिसंबर को उनके बर्थडे पे ही हो जाए आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा। तो देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, कितनी जल्दी इसकी न्यूज आएगी, खबर आएगी, ऑफिशियल न्यूज आएगी। बट ये जो खबर है ये बहुत पक्की है कि आमिर खान प्रोडक्शन में जो है युवराज सिंह की बायोपिक बन रही है। अब देखते हैं कि आमिर खान किसको अप्रोच करते हैं, किस बड़े एक्टर को लेते हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा एक्टर इस फिल्म को नहीं कर सकता। युवराज सिंह के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा दम चाहिए, बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए, रणवीर कपूर जैसा, विक्की कौशल जैसे, विक्की कौशल ने सैम बहादुर में कैरेक्टर किया है, जैसे कि रणवीर कपूर ने संजू में कैरेक्टर किया, इस तरीके का बेहतरीन एक्टर होना चाहिए जो युवराज सिंह के कैरेक्टर के साथ जो जस्टिफाई कर सके उस फिल्म के साथ। आमिर खान तो जस्टिफाई करेंगे, आमिर खान उस कैरेक्टर को उभार देंगे, क्योंकि आमिर खान बहुत ही समझदार फिल्म मेकर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है। तो आमिर खान तो उसके कैरेक्टर को एकदम जीवित कर देंगे युवराज सिंह के, क्योंकि युवराज सिंह अभी पॉपुलर है, युवराज सिंह अभी टॉप पे है। तो युवराज सिंह की बायोपिक बनाना अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद लोग भूल जाते हैं, जैसे सिद्धू हैं, सिद्धू की बायोपिक भी अच्छी बन सकती, कपिल देव की बायोपिक बनी थी उस तरीके से नहीं चल पाई, MS धोनी जब क्रिकेट खेलते थे तभी उनके ऊपर बायोपिक बन गई तो लोगों ने उसे बहुत ज्यादा सराहा, बहुत ज्यादा देखा। युवराज सिंह अभी बहुत पॉपुलर है, शायद 20 साल बाद लोग उन्हें उतना ना जाने, क्योंकि पुराने क्रिकेटर्स को लोग हल्के के भूलते जाते हैं, एक्टर्स की बात अलग होती है बट लोग क्रिकेटर को भूल जाते हैं। जैसे लोग मोहिंदर अमरनाथ, लाला अमरनाथ, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं। अजरुद्दीन को, अजरुद्दीन की बायोपिक आई थी इमरान हाशमी ने करी थी, लोगों ने नहीं देखी, जबकि अजरुद्दीन उस टाइम पे बहुत बढ़िया कैप्टन रहे इंडिया टीम के। बट युवराज सिंह जो है, युवराज सिंह की अलग इमेज है, युवराज सिंह की बायोपिक अगर इस टाइम पे बनती है और आमिर खान प्रोडक्शन बनाता है और रणवीर कपूर, विक्की कौशल जैसे टैलेंटेड एक्टर्स कैरेक्टर को करते हैं तो हाइप बहुत ऊपर जाएगी, लोग इसे देखने के लिए सिनेमा हॉल में दौड़ेंगे। ये फिल्म 100 करोड़ वाली नहीं है, ये फिल्म 200, 300, 400 करोड़ वाली फिल्म है। बायोपिक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, आमिर खान प्रोडक्शन है, नाम जुड़ चुका है युवराज सिंह प्लस आमिर खान प्रोडक्शन, तो ये बायोपिक ब्लॉकबस्टर होना तय है। अगर ये फिल्म बनती है तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी इस फिल्म की, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो गई है कि युवराज सिंह की बायोपिक और आमिर खान प्रोडक्शन बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा धमाल करने वाले हैं। और ऐसी बहुत सी रोचक कहानियां जो युवराज सिंह के बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। युवराज सिंह का जो कनेक्शन था वो दीपिका पादुकोण से भी था, आप सबको पता है, अगर फिल्म में वो दिखाएं युवराज सिंह का जो कनेक्शन है वो दीपिका पादुकोण से, वो भी दिखा सकते हैं। युवराज सिंह की लव स्टोरी दिखा सकते हैं, हेजल की इससे जब उनकी शादी उसके बारे में दिखा सकते हैं। और 2011 में युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद 2015 में उन्हें जगह नहीं मिली। जिस इंसान ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, 2015 के वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली जबकि वो फॉर्म में था। तो ये चीजें भी अगर फिल्म में आमिर खान उठाएंगे, दिखाएंगे, तो जो BCCI ये क्रिकेट बोर्ड है उसे भी थोड़ी शर्म आ सकती है। अब देखते हैं कि युवराज सिंह के ऊपर आमिर खान किस तरीके से क्या क्या पॉइंट दिखाने वाले हैं, उनके बचपन से लेके उनकी आज तक की स्टोरी दिखाई जाएगी। क्योंकि युवराज सिंह जो IPL भी खेले हैं, युवराज किंग 11 पंजाब के कैप्टन थे, पहले ही IPL में सेमीफाइनल तक ले गए थे, फिर अलग अलग टीमों में गए, हल्के हल्के 2 साल कहीं और खेले, 2 साल कहीं और खेले, 2 साल कहीं और खेले। 2016 में
जो युवराज सिंह सनराइजर हैदराबाद थे, जो कि उस टाइम पे आईपीएल जीते, 2019 में युवराज सिंह मुंबई इंडियंस में थे उस टाइम आईपीएल जीते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो युवराज सिंह से कनेक्ट करती हैं। युवराज सिंह की कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो भी फिल्मों में दिखाई जाएगी। और जिस तरीके से आमिर खान का सिनेमा है, उस तरीके से आमिर खान ने अगर दिखाया कि इमोशनल प्लस मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशन, कॉमेडी, फन सब कुछ होना चाहिए, फैमिली फिल्म होगी, तो लोग इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। न्यूट्रल ऑडियंस भर के आएगी, युवराज सिंह के फैंस भर भर के आएंगे, आमिर खान के फैंस भी आएंगे, आमिर खान प्रोडक्शन में बन रही है, तो ये फिल्म बहुत ज्यादा चलने के चांसेस है। एक बहुत पॉजिटिव मूव लिया आमिर खान ने, आमिर खान ने सनी देओल को गदर 2 के बाद लिया, एक पॉजिटिव मूव लिया। आमिर खान ने युवराज सिंह की बायोपिक बनाने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव मूव ले रहे हैं। आमिर खान अगर लाला अमरनाथ की बायोपिक बनाते हैं, सितारे जमीन पर बनाते हैं, तो आमिर खान ने सारी फिल्में डिफरेंट जन की है, बल्कि अलग जोनर की फिल्में आमिर खान बना रहे हैं। आमिर खान की सारी फिल्में डिफरेंट जोनर की हैं, अलग अलग जोनर की फिल्में बना रही है। एक फैमिली ड्रामा है, एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, एक कॉमेडी ड्रामा है, एक अलग तरीके का सीरियस इशू है। तो इस तरीके की फिल्में आमिर खान बना रहे हैं। आमिर खान जो है वर्सेटिलिटी दिखा रहे हैं हर फिल्म में, खुद तो वर्सेटाइल एक्टर है ही, बट वो फिल्में भी बिल्कुल डिफरेंट बना रहे हैं। एक फिल्म दूसरी फिल्म से बिल्कुल मैच नहीं खाती। आमिर खान प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी इस बार आपको देने वाला है। आमिर खान ने जो पिछले 20 साल में इतनी कम फिल्में बनाई, वो 3 साल में पूरा कोटा पूरा करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और इतनी बड़ी बढ़िया फिल्म आमिर खान आप करने वाले हैं जिसे देख के मजा आने वाला है। बाकी मैंने आपको न्यूज़ दे दी, आप अच्छे से दिवाली मनाइए, मिठाई खाइए, पटाखे फोड़िए, सेफ रहिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो देखते रहिए। ऐसी न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। तक ले, टाटा।